सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। यह है गल्फ मास्टर ऐप्स, जिसका इस्तेमाल हम गल्फ का जो इंजन ऑयल है उसके अंदर से जो कूपन निकलता है उसको स्कैन कर सकते हैं और हमारा जो बैंक है उसके अंदर उस पैसे को डाल सकते हैं। तो कैसे आपको डालना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हैं, हमने जो है कूपन को स्कैन कर लिया है और ऊपर मैसेज भी आ चुका है, आपका जो कूपन है वो स्कैन हो चुका है। इस तरह से मैंने जो सारे कूपन थे वो स्कैन कर लिए हैं और आपको इसको सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। गल्फ मास्टर के नाम से आपको मिलेगी। और उसके बाद जो है, अब जो हमने कूपन स्कैन किए हैं ऊपर देखिए उसके पॉइंट लिखे आ रहे हैं 1320। अब ये पॉइंट है, अब इनको जो है 1320 पॉइंट को हमें अपने बैंक में डालना है। ये मेरे HDFC बैंक की कॉपी है, इसके अंदर ही हम बिना अकाउंट नंबर डाले जो है ये पैसे जो है वो पहुँचाने वाले हैं। तो कैसे आपको चेक करना है, सबसे पहले आप स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं जो कूपन आपने स्कैन किए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर वो सभी दिखाई देंगे, 15-15 रुपये के सारे कूपन हैं। तो हमने इनको स्कैन तो कर लिया, अब हमारी जो गल्फ मास्टर ऐप्स है उसके अंदर ये आ चुके हैं, लेकिन अब ये बैंक में नहीं है, हमें इसको बैंक के अंदर पहुँचाना है। देख सकते हैं रेडमी गिफ्ट 1320, ठीक है। अब 1320 को कैसे आपको पहचाना है, सबसे पहले इस पर ओके कीजिए जहाँ पे 1320 लिखा है, और यहाँ पे पूछेगा कि आप एक OTP के द्वारा जो है वेरीफाई कराइए। जिस मोबाइल से मैंने इसको लॉगिन किया है उस पे OTP आएगा। देख सकते हैं, आप किसी भी मोबाइल से इसको जो है लॉगिन कर सकते हैं। मैंने लॉगिन किया और ऊपर एक जो है OTP आ चुका है, कुछ 98252 है। इसको आप इस तरह से डालें जिस मोबाइल नंबर से आपने इस ऐप्स को लॉगिन किया है और उसके बाद इसको ओके कर दें। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे आपको ये एक वेबसाइट पे लेके जाएगा। देख सकते हैं www. ये जो है वर्ल्ड वाइड एक वेबसाइट है, इस पे आपको लेके जाएगा। जैसे ही वो वेबसाइट ओपन हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर आप पहुँचेंगे, यहाँ पर आपको पेटीएम मिलेगा, पेटीएम में यदि आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, बैंक अकाउंट मिलेगा और UPI ID, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैंक ट्रांसफ़र आपको पहले बताते हैं कैसे आपको करना है। बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करें और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिडीम, ठीक है। आपको अब यहाँ पर रिडीम करना है, तो रिडीम करने के लिए हमें यहाँ पर पहले इस पर प्रेस करना है, रिडीम पर। रिडीम पर जैसे ही आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर यदि आपके पास अकाउंट पहले नहीं है तो आप वो न्यू अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू अकाउंट पे क्लिक करें और अब इसमें देखिए पहले अकाउंट नंबर भरें, फिर IFC कोड भरें जो आपके पासबुक में है, फिर आप पेमेंट किस तरह से चाहते हैं, नेफ्ट के द्वारा या फिर IMPS के द्वारा। तो यहाँ पर आप कुछ भी ऑप्शन चुन सकते हैं, यदि आप IMPS चुनते हैं तो वो भी बेहतर है और यदि आप नेफ्ट चुनते हैं वो भी बेहतर है, दोनों तरीके से ट्रांजेक्शन हो जाएगा। नीचे अमाउंट है, अमाउंट आपको भर देना है 1320। मान लीजिए मेरे पास 1320 इस समय पॉइंट है तो 1320 में भर दूंगा तो 1320 आ जाएंगे मेरे अकाउंट में, ठीक है। अब मैं आपको, यदि आपके पास अकाउंट नहीं है और आप एक दुकानदार हैं और आप QR कोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दुकान पे आजकल आपने देखा ही होगा एक QR कोड होता है और ट्रांजेक्शन जो है उसमें चली जाती है। तो गाइज अब ये तरीका भी देख लेते हैं, आपको यहाँ पर UPI पे क्लिक करना है। जैसे आप UPI पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेम वैसा ही ऑप्शन होगा, लेकिन बैंक अकाउंट आपको इसमें लिंक नहीं करना। यहाँ पर आपको वही रिडीम मिलेगा, आपको रिडीम पे क्लिक करें और देखिए मैं रिडीम पे क्लिक करता हूँ, ऐसे ही आप उस पर क्लिक करें। जैसे आप रिडीम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है भीम UPI ID और नीचे है ट्रांसफ़र अमाउंट में आपको 1320 टाइप कर देना है, जो आपके पास पॉइंट है 1320। और अब है UPI ID, देखा ये है भीम UPI ID जैसे दुकानों पे लगा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 90688 और कुछ टिक मार्क और उसके बाद @YBL, ये मेरी भीम UPI ID है, ठीक है। तो ये आपके मोबाइल नंबर जिससे आपने अपना गूगल पे या फोन पे जोड़ा है वहाँ पर आपको प्रोफाइल में जो है आपको मिलेगा माई भीम UPI ID, ठीक है। ये गूगल पे में मिलेगा और फोन पे में। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर ही जो मिलेगा, देखिए आप देख सकते हैं 90688 और आगे मेरा मोबाइल नंबर पूरा जो शॉप का है @YBL, ठीक है। ये मेरी भीम UPI ID है। तो आपको जो है जो गल्फ मास्टर है उसको ओपन कर लेना है जहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, और उसके बाद जो आपका भीम UPI ID है उसको आपको टाइप कर देना है।
जैसे कि मैंने आपको दिखाया 90688 मेरा शॉप का मोबाइल नंबर @YBL, ठीक है। और नीचे 1320 देख सकते हैं, मैंने वहां पर 01320 टाइप कर दिया है। अब ये OTP आ रहा है, ठीक है, उसी मोबाइल नंबर पे जिससे आपने इस ऐप्स को खोला है, ठीक है। और ये कंफर्म करने को बोल रहा है कि आप ये जो पैसा है वो अपने बैंक में चाहते हैं नहीं। तो देखिए इसने OTP भेजा, और OTP भेजने के बाद जो है हम यहाँ पर इसको OTP डाल देते हैं और कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कन्फर्म करेंगे जो हमारा पैसा है वो जो है हमारे बैंक में चला जाएगा। देख सकते हैं इसने बोला है कि आपका ऑर्डर जो है पेंडिंग है, रिक्वेस्ट, अब थोड़ी देर में जो है पैसा भेज देंगे। तो अब थोड़ा समय भी लग सकता है और हो सकता है अभी आ जाएँ तुरंत, तो वो थोड़ा टाइम के ऊपर डिपेंड है। देख सकते हैं मैसेज आ चुका है, टाइम की बात है, 1320 रुपये देख सकते हैं मेरे HDFC बैंक के अंदर जो है जो 1320 रुपये हैं वो आ चुके हैं। इस तरह से आप बिना अकाउंट नंबर जोड़े भी जो ट्रांजेक्शन है अपने बैंक में ले सकते हैं। तो गाइज यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।